डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारा डिस्कशन होने वाला है एसएससी सीजीएल वर्सेस गेट एग्जाम। हालांकि मैंने यहां पे गेट एग्जाम मेंशन किया है, पर आप गेट की जगह पे ईएससी, मैं ईएससी की बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की। उसके अलावा स्टेट की इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हो, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए हो, या फिर दूसरे एग्जाम्स हो जिसमें केवल और केवल इंजीनियर एलिजिबल होते हैं, आप उनको यहां पे रख सकते हो। बाकी पीएससी के भी इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं, या फिर बहुत सारी पीएससी गेट से लेती हैं। तो इन शॉर्ट इस साइड आपके गेट के सारे एग्जाम हैं और दूसरे साइड ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको कोई भी दे सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई कंपेरिजन काहे करना यार, एक गेट है जिसमें कोर इंजीनियरिंग वाले जाते हैं और एक एसएससी सीजीएल, काहे कंपेरिजन कर रहे हो भैया? इसके तीन रीजन है। पहला रीजन, मतलब अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें ना हम, तो एकदम माइनर सा डिफरेंस है। एक में केवल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होते हैं और दूसरे में केवल इंजीनियरिंग वाले सेलेक्ट होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर जाना दोनों जगह इंजीनियर को ही है तो फिर डिस्कशन क्यों ना करें। दूसरी चीज कि दोनों जगह पे क्या है, ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल होते हैं, दोनों ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो भी डिस्कशन कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ गजेटेड ऑफिसर होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। पर गजेटेड ऑफिसर की सील लेके क्या ही करना, बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर को यही नहीं पता होता है कि वो गजेटेड ऑफिसर भी हैं और उनकी सील कहाँ से बन के आती है, उसकी वैल्यू क्या है। तो फिर मतलब एक तरह से वो नॉमिनल पावर होती है, बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है नहीं, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी बात नहीं, तीसरी बात है ना यार, दूसरी तो बता दिया। तीसरी बात कि भाई इस बार 2022 में एसएससी सीजीएल ने निकाले हैं बम्पर वैकेंसी, मतलब 22,000 के आसपास की। ये 2012 के बाद, मतलब 2012 के बाद सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है एसएससी सीजीएल के द्वारा। तो मतलब भाई इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी देख के, मतलब आप कह सकते हो ना, ईमान तो बदल ही जाता है आदमी का। तो आप में से भी कई सारे लोग हैं जिनके ईमान डगमगा रहे हैं कि यार अब तक तो हम इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब क्या छोड़ के एसएससी सीजीएल में घुस जाएं, घुसना ठीक रहेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि घुस जाएंगे फिर पता चला कि जो सांस बाहर ले रहे थे वो बीच में अटक जाए और हम लटक जाएं। कई सारे लोग ये भी कहते हैं भाई कि दो नाव पे चढ़ना, फिर भाई फट गई तो मरना। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर दो नाव पे चढ़ोगे, एक डूब जाएगी तो एक पे रहोगे। मतलब ठीक है, सबका अपना लॉजिक है। तो उन सारे लॉजिक को हम यहां पे कंक्लूड करके डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए और क्यों। लास्ट में थोड़ा सा हम ये भी डिस्कशन कर लेंगे कि आपका अभी स्टेज क्या है, इस स्टेज पे आपको किधर जाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा, आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, होप सो कि उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि यहां पे जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो कुछ तो होगा स्टैटिक बेस्ड और कुछ होगा मेरे ओपिनियन बेस्ड। तो मेरे ओपिनियन से हो सकता है आप एग्री करो, हो सकता है डिसएग्री करो, पर एक बात से आप सभी लोग एग्री करोगे कि आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कर लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब इतना भी क्या है भैया, किसको किसको फॉलो करते हो, एक अच्छे आदमी को भी फॉलो कर लो, कोई तो रहे मतलब आपके लिस्ट में। अच्छा ठीक है, खैर चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू, भाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, और यहाँ पे हम भाई व्हाइट सैलरी की बात कर रहे हैं, जो विटामिन एम वाली सैलरी होती है ना उसकी बात नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड हो। हमारे देश के लोग जो आपकी व्हाइट सैलरी होती है ना, वो जानने से पहले इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये बताओ बाहर वाला कितना मिलेगा, बैंक से पैसा तो नहीं निकालना पड़ेगा ना एक बार सैलरी आ गई तो, मतलब इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मुझसे भी पूछते हैं, मैं बता भी देता हूँ भाई, मतलब सच है तो है, हमारा क्या ही जाता है बताने में। सैलरी की बात करें तो सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है आपको पीएससीयू में, इवन दो ईएससी से भी ज्यादा, ईएससी से भी ज्यादा सैलरी मिलती है आपको पीएससीयू में। क्यों मिलती भाई? देखो बेसिक पे तो अराउंड तो सबका साथ ही सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, पर पीएससीयू देती है आपको 30% से लेके 35% मिसलेनियस अलाउंसेस, जो कि बाकी कहीं पे नहीं मिलता है एक्सेप्ट देन द पीएसयू, क्योंकि पीएसयू कमाती है पैसा, तो उस पैसे में थोड़ा आपको भी शेयर दे देती है। फिर बोनस वोनस भी बहुत देते हैं ये, अब तो थोड़ा कम हो गया है, इससे पहले तो बहुत ज्यादा बोनस मिलता था, मगर अब देखो अब हाल ऐसा हो गया कि जो नए इंजीनियर जा रहे हैं उनकी सैलरी कम हो गई है, इनसे पहले जो गए थे उनकी सैलरी ज्यादा है। प्रमोशन के बेसिस पे नहीं, ज्वाइनिंग के बेसिस की बात कर रहा हूं मैं, ज्वाइनिंग के टाइम से ही,
क्योंकि बेसिक पे कई सारे पीएससीज ने घटा दिए हैं और कई सारे पीएससीज ने इंक्रीमेंट नहीं दिए हैं, जिनको बेसिकली घाटा हो रहा था, या फिर आप कह सकते हो सो कॉल्ड घाटा, पर स्टिल कई सारी पीएससीज हैं जहां पे बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है, मतलब ज्वाइनिंग सैलरी 1-1 लाख है या उससे ज्यादा है, जो कि बाकी जगह आपको नहीं मिलेगी, ईएससी में भी नहीं मिलेगी और एसएससी सीजीएल में तो कोई चांस ही नहीं है। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो आप गेट एग्जाम दे सकते हो। स्टेट के लिए जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विस से, वहां पे यही वाली सैलरी मिलेगी, एसएससी सीजीएल वाली मोस्ट प्रोबेबली सेम सैलरी आएगी। हाँ, वहां पे जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव होते हैं या एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, वो क्लास 1 या फिर आप कह सकते हो क्लास 2 वाली पोस्ट होती है, उसमें थोड़ी सैलरी ज्यादा मिलती है, बट वो एग्जाम हर स्टेट में नहीं आते, किसी किसी स्टेट में आते हैं। तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रेड करें तो आपको पीएसयू में जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, पीएसयू में जाना चाहिए, ठीक है, सैलरी ज्यादा है। पीएसयू के बाद मेरे हिसाब से आपको एसएससी सीजीएल रखना चाहिए, एसएससी सीजीएल, और फिर इसके बाद आपका स्टेट वाला रख लेना चाहिए, और स्टेट वाला मैं एई की बात कर रहा हूं। अगर आप डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में जा रहे हो या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में जा रहे हो तो उसको आप पीएसयू से पहले रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, सैलरी खत्म हो गई भाई, अब मैंने पहले ही बोला है मैं व्हाइट सैलरी की बात कर रहा हूं, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, समझ ही रहे होगे कि कहां से क्या होता है। दूसरा है जो मेरे हिसाब से बड़ा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि आपको इस प्रोफाइल में जाना चाहिए, दूसरा है आपका जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में कई सारी चीजें आती हैं। अब मैंने यहां पे पहली बार पहले लाइन में तो लिख दिया है कि सोशल रिस्पेक्ट, पर इसके अलावा भी आपको वर्कलोड कितना है, आपकी पोस्टिंग कहां पे हो रही है, ट्रांसफर कितना फ्रिक्वेंट है, फैमिली लाइफ कैसी है, आपका डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट लगता है क्या, पीएसयू में लगता है इसलिए बोल रहा हूं। जॉब प्रोफाइल मतलब हैक्टिक है क्या, ऐसा तो नहीं कि कभी भी फोन आ जाता है उठ के भागना पड़ता है, इस टाइप की चीजें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि सोशल लाइफ से, कि आपका सोशल रिस्पेक्ट जो होता है, सोशल वैल्यूज जो होते हैं वो किसमें ज्यादा होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट होगा किसके ज्यादा होते होंगे, एसएससी सीजीएल वालों को, क्योंकि बाकी सारी पोस्ट को तो कोई जानता भी नहीं है यार। सिंपल ले लो, कभी मान लो लड़ाई हो गई किसमें किसमें, एसएससी सीजीएल वाले में लड़ाई हो गई, और मान लीजिए यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर साहब हैं या फिर डिप्टी एग्जीक्यूटिव हैं या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं या पीएसयू वाले हैं, कोई भी हो, दोनों लोगों में लड़ाई हो गई और दोनों जन मिल के चले गए थाने में एफआईआर कर रहे, और दोनों साथ में पहुंच गए और यहाँ पे हैं थानेदार साहब, ठीक है, एफआईआर लिखने के लिए मतलब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं दोनों लोग समझौता कर लो। अब इनके साथ एक आध चमचे भी गए होंगे, इनके साथ जनरली चमचे नहीं जाते क्योंकि इनका किसी से पटता नहीं है, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोशल लाइफ में जी रहे होते हैं तो इनके चमचे दो चार होते हैं और पोस्ट भी ऐसी होती है। ये जाके दरोगा जी के कान में बोल देगा, दरोगा जी भैया सीबीआई में है, बहुत जन के पीछे पड़ी है सीबीआई, आपके पीछे भी छोड़ दें क्या। अब दरोगा जी कहेंगे, अरे यार इंजीनियर साहब काहे लड़ रहे हो यार, कब से परेशान किए हो, कह रहा हूं सुलह कर लो, साहब अपने डिपार्टमेंट के हैं, क्यों नहीं सुलह कर रहे हो, कहेगा वो चाय मंगाओ और इंजीनियर साहब को मत देना, सुबह से परेशान किए हुए लड़ाई करके, कर लो यार सुलह। मतलब ऐसी सोशल रिस्पेक्ट होती है कि आपको ऊपर प्रेशराइज करेगा, और मान लो यहीं पे कान में बोल दे कि दरोगा जी भाई साहब इनकम टैक्स में हैं और आपके मैडम ने जो ये हार पहन के आया था ना 10 लाख का, वो भी देखा है, डिपार्टमेंट में बात पहुंच गई ना, तो मैडम का हार से लेके आपका पैंट दोनों उतरवा लेंगे, सुलह करवा दो जल्दी। भाई साहब और भड़क गए, कॉफी मंगाओ यार और इंजीनियर साहब को तो देना मत, और इंजीनियर साहब के कॉफी में तो अदरक डालो, मतलब परेशान कर रखा है और आदमी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो ना, बोल देंगे भैया एनआईए में है, पाकिस्तानी एजेंट बता के काम खत्म कर देंगे। दरोगा साहब कहेंगे, अरे रुको यार, कितना पोस्ट का वो दोगे तुम इंफॉर्मेशन, हम करवा रहे हैं ना भाई, तुम्हारे अंदर लगे हैं, देखो इनको नहीं चाय दिया नहीं कॉफी दिया, काहे परेशान कर रखे हो, करवाते हैं, काहे नहीं मानेंगे इंजीनियर साहब, ऐसे नहीं मानेंगे तो कोने में ले जाके 2-4 केस लगा देंगे, मान जाएंगे इंजीनियर साहब, क्या करेंगे यार, ठीक है भाई कर लेते हैं सुलह, करके चले जाएंगे। मतलब इसके अलावा कुछ भी ले लो ना, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप बताओ कि भैया हम ना मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, काहे का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो बे, दूर हटो उधर बैठो, सीट नहीं बुक करा, चलो नीचे उतरो, और वहीं भी बताएं भैया हम इनकम टैक्स में है। टीटी कहेगा, अरे साहब बैठो ना यार, हमारी सीट है, बैठो, काहे परेशानी ले रहे हो, और हम तो हमारा तो काम होता है, हम तो रात भर घूमते रहते हैं, हम तो सोते भी नहीं, आप ही सो लो कोई बात नहीं। मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि इन पोस्ट की सोशल वैल्यूज ऐसी हैं कि लोग आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, जो कि इंजीनियरिंग में जनरली नहीं देखा जा सकता है या नहीं देखा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर्स की बेइज्जती कर रहा हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं और यहां पे भी इंजीनियर ही जा रहे हैं, कहां गया, यहां पे भी इंजीनियर ही जा रहे हैं भाई, यहां पे इससे पहले वाली जो हमने एसएससी सीजीएल बताया था ना, यहां पे भी मैक्सिमम इंजीनियर ही जा रहे हैं,
पर यहां पे जो पोस्ट मिलती है ना उसकी सोशल रिस्पेक्ट सोशल वैल्यूज ज्यादा है। मतलब शादी होगी ना तो वो कहते हैं ना साली आधी घरवाली, साली कहेगी हम आधी नहीं हम पूरा घरवाली बनना चाहते हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना भी इज्जत नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं, अगर वर्कलोड की बात करें हम लोग तो वर्कलोड में थोड़ा जो आपका ऐसे ऐसे सीजीएल वाली पोस्ट होती हैं, हम इन शॉर्ट कहें तो इनडायरेक्ट लोड वहां पे ज्यादा होता है। मतलब हमेशा आपके माइंड पे वर्कलोड का प्रेशर रहता है जनरली, और आजकल इस गवर्नमेंट में थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया जो ऑफिशियल बात करते हैं वो लोग। पीएसयूज में वर्कलोड आप एक बार काम करके चले आए घर पे तो फिर आप फ्री हो, मतलब मेंटली फ्री रहते हो। एसएससी सीजीएल में शायद आप मेंटली फ्री ना रहो, आपको आपका दिमाग हमेशा वो किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझा रहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हो सकता है ज्यादा ही उलझा रहे, प्रेशर भी आता है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, दूसरे तरफ से जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका प्रेशर होता है, किसी पहुंच वाले का प्रेशर होता है, तो ये सारी चीजें भी आपको हैंडल करनी पड़ती है। हाँ एक चीज है कि जो पीएसयूज होती हैं उसमें डे नाइट इस टाइप की शिफ्ट भी लगती है, वो जनरली आपको वहां पे नहीं लगती है। जो आपके एसएससी सीजीएल की पोस्टिंग होगी वो अक्सर आपकी सिटीज एरिया में होंगी, ये इसमें आपकी पोस्टिंग सिटी एरिया में जनरली नहीं होती है, क्योंकि पीएसयूज के जो प्रोडक्शन प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं वो जनरली आउटसाइड द सिटीज होते हैं, तो आपको लोकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, उसमें लोकेशन अच्छा मिलेगा। तो ये सारे वर्क से रिलेटेड चीजें हो गई, पोस्टिंग से रिलेटेड भी मैंने बता दिया। ट्रांसफर पीएसयूज में भी होता है और आपके इसमें भी होता है, इसमें थोड़ा कम होता है मैं कहूंगा एसएससी सीजीएल में, पीएसयूज में थोड़े ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, तो वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर एक जंगल से उठाकर दूसरे जंगल में पटक दे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, हो ट्रांसफर या ना हो क्या ही फर्क पड़ जाता है। हाँ एसएससी सीजीएल वालों को ट्रांसफर से थोड़ा फर्क पड़ता है कि कहीं किसी सिटी में रह रहे थे अच्छी थी, बाद दूसरी सिटी चले गए थोड़ी खराब है, तो उनको फील होता है, बाकी पीएसयूज वालों को फर्क नहीं पड़ता, उनको तब भी जंगल में रहना था आज भी जंगल में रहना है। हाँ कुछ लोगों को अलग ही गट्स होता है कि भाई गेट एग्जाम को तुम ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हो बे, गेट एग्जाम इतना टफ होता है, अच्छे अच्छे फंडामेंटल लोग धराशायी हो जाते हैं। तो भैया हो जाओ धराशायी, कौन मना कर रहा है, दो गेट। अगर आपका मन है कि रेगिस्तान में दौड़ते हुए हम पानी के बिना दम तोड़ देंगे और लोगों से कहेंगे हमने बहुत मेहनत किया था मरने के लिए, कर लो मेहनत, क्या ही फर्क पड़ता है, खूब पढ़ लो, ना निकाल पाओगे गेट, टफ है, ये है वो, उससे क्या फर्क पड़ता है, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एसएससी सीजीएल में भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम है, एसएससी सीजीएल में भी इस टाइम कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां भी इंजीनियर्स ने मुंह मार दिया है अपना, और मुंह ही नहीं मारा है कब्जा कर लिया, मतलब पूरा खाना अंदर ले लिया, अब जल्दी निकलेगा नहीं, जबड़ा बड़ा तगड़ा होता है इनका, निकालेंगे नहीं। एग्जाम की लेवल की हम बात कर रहे थे, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन वही है, तो आपको इससे लोड नहीं लेना है कि भाई, कुछ लोगों को गट्स की फीलिंग आती है कि हमने गेट निकाला है वे 80 नंबर आए थे हमारे, कहाँ हो गया 80 नंबर आ गया, तो आ गए 80 नंबर। मतलब इन शॉर्ट जो हम प्रोफाइल देखें उतना अपील नहीं करती है मेरे हिसाब से। मैंने कहा ना भाई देखो इसमें कुछ स्टैटिक्स है, कुछ मेरे ओपिनियन है, हो सकता है आप लोगों में से काफी सारे लोग मेरे ओपिनियन से एग्री ना करते हो, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पर मैं ऐसा सोचता हूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बहुत सारे इंजीनियर्स को ऐसा रहता है यार कि इंजीनियरिंग किए हैं तो भैया इंजीनियरिंग की नौकरी करेंगे, भैया जाएंगे अब इधर जाएंगे क्या, इधर क्या करने जाएंगे, इंजीनियरिंग किया अब इंजीनियर बनेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी अब चेंज हो गई है, हमारे टाइम पे बहुत सारे का मैक्सिमम ऐसे सोचते थे थोड़ा ना एसएससी सीजीएल में जाएंगे यार, ग्रुप सी की नौकरी है, ग्रुप बी की नौकरी है, यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर बनते हैं, कहाँ जाएंगे यार। मगर जब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी, जब नॉन टेक्निकल में जाना स्टार्ट किए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, वही रेशियो था ना 2008, 9, 10 के बाद से यूपीएससी में भी जाना स्टार्ट कर दिए, इससे सीजीएल में भी जाना स्टार्ट कर दिए, बैंक में भी जाना स्टार्ट कर दिए। अब बैंक मैनेजर से ये पूछने की जरूरत नहीं होती कि भैया क्या पढ़े हो, बस ये पूछने की जरूरत होती कि इंजीनियरिंग में आपकी ब्रांच कौन सी थी, वो तुरंत बताएगा भैया मेरी ये ब्रांच थी, आपकी कौन सी थी, मैं भी इंजीनियर हूँ मेरी ये थी। उसी तरीके से कुछ दिन ये सरकारी ऑफिस में भी हो जाएगा, वहां जाकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस बोलना है सर कौन सी ब्रांच थी आपकी इंजीनियरिंग में, कौन से बैच के पास आउट हो, वो भी बताएगा। तो ये हाल हो गया है आपके यूपीएससी से लेके एसएससी सीजीएल या फिर बैंक पीओ या फिर क्लर्क, मतलब सब जगह इंजीनियर्स जा रहे हैं, उसका रीजन भी है। अब आपको रिग्रेट भी नहीं करना है भाई कि अब आपके मन में इतना आ रहा है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी इंजीनियर के, नहीं, इंजीनियरिंग ने दिया है आपको क्वालिटी, इसी वजह से इंजीनियरिंग के क्वालिटी के वजह से ही आप दूसरों को कंपीट कर पा रहे हो। इवन दो कि आप अपने चार साल एकदम से हट के पढ़े और यहाँ पे एक साल आप पढ़ लेते हो बाकी सारे लोग पीछे चले जाते हैं, तो इंजीनियरिंग से रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने चार साल खराब कर दिए, उन चार सालों ने आपके अंदर इतना क्वालिटी दिया है,
मेहनत करने की एबिलिटी दिया है, 6-6, 7-7, 8-8 घंटा कुर्सी पे बैठने का हौसला दिया, मतलब हौसला नहीं प्रैक्टिस दिया है, लिखने की प्रैक्टिस दिया है, जो आपको इन सारे एग्जाम्स में काम आते हैं और आप दूसरे एग्जाम्स को भी कंपीट कर पाते हो कम टाइम में एज कंपेरिजन टू दूसरे स्ट्रीम के लोगों को या दूसरे डिसिप्लिन के लोग आपको पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। तो इंजीनियरिंग कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब इन शॉर्ट आपने इंजीनियरिंग ढंग से किया है, पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, असाइनमेंट लिखा है, तो ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं और कहीं ना कहीं आपको जॉब मिली जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं इन द सेंस कि अगर आप एसएससी सीजीएल में जाओगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप वहां भी दूसरे लोगों को पीछे छोड़ दोगे। अब अगर बिना इंजीनियरिंग वाले देख रहे होंगे तो कहेंगे ये इंजीनियर इसीलिए पक्ष ले रहा है, पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये सच्चाई है। आप स्टैटिक्स देख सकते हो, सीएससी की स्टैटिक्स मिल जाती है, एक साहब ने पूछा था, मैंने कई बार बताया भी है, पार्लियामेंट का आंसर है ये, पूछा था कि 2018 में शायद पूछा था कि ये बताइए कि सीएससी में मतलब सिविल सर्विस एग्जाम में जो टॉप 25 हैं, लिस्ट बताई गई थी जो टॉप 25 रैंकर हैं उसमें 22 इंजीनियर थे। भैया मतलब ये देख लो क्या रेशियो है ये, तो ये हालत हो गई है और हर जगह यही हालत है, चाहे वो बैंक का क्लर्क हो, पीओ हो, एसएससी सीजीएल हो या दूसरे स्टेट के कोई मतलब स्टेट के दूसरे एग्जाम्स हो, सब जगह इंजीनियर्स जा रहे हैं और जाने भी क्यों नहीं चाहिए अगर आपने पढ़ाई किया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि ठीक है बहुत तारीफ कर लिया आपने एसएससी सीजीएल का, अब ये बताओ हम क्या करें। मैं एक बात पहले भी कहता हूं आज भी कह रहा हूं कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आपने इंजीनियरिंग फ्रेश ग्रेजुएट हो, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो और इस कंफ्यूजन में हो कि मुझे इंजीनियरिंग साइड जाना चाहिए या नॉन इंजीनियरिंग साइड, तो बिल्कुल आपको नॉन इंजीनियरिंग साइड जाना चाहिए, नॉन इंजीनियरिंग साइड, चाहे वो एसएससी सीजीएल ले लो या दूसरी पोस्ट, वैसे सबसे बेहतर एसएससी सीजीएल है, मैं अभी एसएससी सीजीएल के रेफरेंस से बता रहा हूं। अगर बैंक में जाने की सोच रहे हो तब रहने दो, तब इधर ही कर लो, इंजीनियरिंग वाला कर लो। हाँ एक चीज इसमें है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी पढ़ाई किया है और आपको लगता है कि इंजीनियरिंग वाली जो पोस्ट है कम पढ़ के या शॉर्ट टाइम में पढ़ के मुझे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन मिल सकता है, तो फिर ठीक है आप एसएससी सीजीएल को छोड़ के आप इंजीनियरिंग साइड चूज कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है वहां पर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए अगर आप ऐसा फील करते हो तो, क्योंकि एसएससी सीजीएल अगर आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल है, लोग 100-100 में से मतलब 98 मैथ की बात कर रहा हूं, एफटी में लोग 100 में से 100 नंबर ले आते हैं यार, मतलब सब कुछ पढ़ लिया है, तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे शॉर्ट टाइम में जाके आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आपको देख लेना है कि आपका लेवल क्या है, कि आपने ढंग से पढ़ाई किया है तो इंजीनियरिंग का एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर ढंग से नहीं किया है, आपको सारी चीजें शुरू से ही पढ़ना है, तो फिर एसएससी सीजीएल के लिए पढ़िए, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरे कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जो पास आउट हैं और वो ट्राई कर रहे हैं, पहले इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे। अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं कर पा रहे हो, कुछ एग्जाम्स आपने दिए हैं, आप बहुत पीछे रह जा रहे हो, तो आप क्विट कर लीजिए, एक बार नॉन टेक्निकल भी ट्राई कर लीजिए। हाँ वो लोग जिनका जो कट ऑफ के काफी क्लोज चले जा रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन का लेवल ठीक ठाक आ गया है, मैं उनसे कहूंगा अभी आप घबरा के जंप मत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे कहने के वजह से चलो समुंदर में छलांग तो लगा दिए, तैरने आता नहीं था, नाव भी नहीं थी आसपास और डूब मरे, वैसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत और मेहनत कर लेंगे, थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ थोड़े जो हमारे मिस्टेक्स है उसको सुधार लेंगे तो हमारा इंजीनियरिंग साइड हो जाएगा, 2-3 साल से प्रिपरेशन भी कर रहा हूं, तो फिर आप वहीं लगे रहिए। बहुत सारे मेरे चैनल पे आरटीओ की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, आरटीओ एक अलग पोस्ट होती है, उसको हम एकदम प्योर इंजीनियरिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, वहां पे भी आपको सोशल रिस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा मिलती है। कहीं भी ऐसी पोस्ट हो जहां पे शोल्डर पे 2-3 स्टार लग जाते हैं, वहां पे वैल्यूज आपकी बढ़ जाती है, दूसरा आदमी आपके ही पोस्ट पे होगा, आपसे ज्यादा सैलरी ले रहा होगा पर शोल्डर पे स्टार नहीं दिखेंगे, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी, सोशल रिस्पेक्ट थोड़ी कम होती है, ये कैजुअली देखा जाता है, ठीक है, आप भी इस चीज को फील कर सकते हो बाहर मार्केट में। और बाकी वो एम वाली बात तो आप आरटीओ का देख ही रहे हो, आजकल आरटीओ के घर बड़े पड़े हैं, बाकी आधे लोग तो उसी लिए तैयारी कर रहे हैं आरटीओ की, तो उसके लिए थोड़ा सा आप रुक सकते हो, रुकना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो पहले से। वहां पे भी अगर आप पहली बार जा रहे हो प्रिपरेशन करने, तो आप सोच सकते हो कि आपको एसएससी सीजीएल जाना है या उधर जाना है। कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग होते हैं कि मुझे नहीं स्टेट में ही रहना है, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको स्टेट वाली जो वैकेंसीज हैं, जो लाइक आरटीओ एग्जाम है बहुत अच्छी, मैं आरटीओ को पर्सनली बहुत अच्छा एग्जाम मानता हूं इंजीनियर्स के लिए, हालांकि इंजीनियरिंग का काम वहां पे कुछ नहीं होता है, पर उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्या ही करोगे इंजीनियरिंग का काम करके, बाकी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो वो आपको डिसाइड कर लेना है कि किस साइड आपको रहना है।
क्योंकि जो आपका एसएससी सीजीएल है उसमें ट्रांसफर तो कहीं भी हो सकता है भाई, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप अपने होम स्टेट में रहोगे, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस साइड जाना है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड कर दिए, हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो गया होगा या हो सकता है आपके मन में कुछ और सवाल होगा जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं एकदम क्लियर हो, आप अपना ओपिनियन देना चाहते हो, मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते हो, या फिर कुछ एडिशनली चीजें ऐड करना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ऐड करिए, बाकी दूसरे लोग भी देखेंगे, आपका कंपैरिजन भी पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बोला कि मेरे ओपिनियन बेस्ड हैं, मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है, मैं क्या फील करता हूं उन पोस्ट के बारे में उसके हिसाब से है, तो आप अपना ओपिनियन भी लिख सकते हैं। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। थोड़ा देर सवेर हो जाता है पर जवाब आपको पक्का मिलेगा, एक आदमी का भी कमेंट या फिर मैसेज मैं मिस नहीं करता हूं। बाकी आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हो तो पब्लिकली दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पे डिस्कशन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।